नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अतिक्रमणकारियों ने जिला प्रशासन के मुंह पर मारा तमाचा, प्रशासन को दी खुली चुनौती। सितंबर माह में नाम मात्र का अतिक्रमण हटाकर जिला प्रशासन ने लूटी थी वाहवाही। दिखावे में ज्यादा विश्वास रखने वाले अलवर जिला प्रशासन की हकीकत अब धीरे धीरे जनता के सामने आने लगी है। अलवर का जिला प्रशासन काम तो कम, दिखावा ज्यादा करने में माहिर है। जिला प्रशासन के द्वारा यदि छोटा सा भी काम किया जाएगा तो उसका प्रचार प्रसार इस प्रकार किया जाता है कि माना प्रशासन ने बहुत बड़ी तीर मार ली है। कहते हैं सांझ को आंच नहीं, सच्चाई जनता के सामने अब आने लगी है। सितंबर माह में अलवर जिला प्रशासन के द्वारा जैसमन बांध के क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया था। जिला प्रशासन का कहना था कि हमने लगभग 100 बीघा जमीन से हटाया है, जिससे बांध के क्षेत्र पर वर्षा के समय में पानी पहुंचेगा। उस दौरान जिला प्रशासन की काफी तारीफ भी सुनने को मिली थी, परंतु अतिक्रमणकारियों के द्वारा जिला प्रशासन के मुंह पर तमाचा मारा गया तथा जमीन पर अतिक्रमण करके जिस क्षेत्र से पानी बांध पर पहुंचता था उसी पर कब्जा कर लिया गया। वर्तमान में उस क्षेत्र पर फसल बोई गई है, जो यह स्पष्ट बताती है कि अतिक्रमणकारियों में जिला प्रशासन का कोई डर नहीं है। यहाँ के निवासियों के द्वारा जैसमन बांध में फसलें बोई जाती है, फसलें बर्बाद ना हो इसलिए पानी की धाराओं को रोक दिया जाता है। सितंबर माह में अलवर जिला प्रशासन पूरे दल बल के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए जैसमंद बांध पर पहुंचा था। प्रशासन ने पूरी ताकत के साथ जैसमंद बांध पर अतिक्रमण हटाया सितंबर माह में। आज हम इसी जैसमंद बांध की वास्तविक स्थिति पर पहुंचे हैं कि जैसमंद बांध पर जो अतिक्रमण प्रशासन ने हटाया था बुलडोजर के माध्यम से पूरे दल बल के साथ पहुंचा था, आज वहां की क्या स्थिति है। जैसा कि अब आप कैमरे में देख रहे होंगे कि जहां पर प्रशासन के द्वारा यह दावा किया गया था कि लगभग हमारे द्वारा 100 बीघा से अधिक जमीन का अतिक्रमण हटा दिया गया है, जिससे बांध की जो पानी की जो आवक है वो बनेगी और अलवर वासियों को पेयजल की समस्या से निदान मिलेगा। जैसा कि अब आप कैमरे में स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, ये वो बोर्ड है जो सितंबर माह में अलवर जिला प्रशासन ने दावे के साथ लगा दिया था कि अब हमने यहाँ से अतिक्रमण हटा दिया है तथा यहाँ पर अब किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। परंतु जैसा आप बोर्ड के आसपास के पूरे क्षेत्रों में देख रहे हैं, यह जैसमंद बांध में जहां से पानी आता है, जहां से पानी की आवक होती है, यह वही रास्ता है जहां पर अब आपको पूर्ण रूपेण से फसल खेती नजर आएगी। बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि इस अतिक्रमण हटाने के पश्चात अलवर जिला कलेक्टर महोदय यहां पर एक दौरा भी कर चुके हैं। क्या अलवर जिला कलेक्टर महोदय जब यहां पर अपना दौरा करने पहुंचे, क्या उन्हें अपना अतिक्रमण नहीं दिखाई दिया गया? अलवर जिला कलेक्टर की ही एक यहां विशेष रूप से पहल रही कि जैसमंद बांध में काफी पैसे खर्च किए जा रहे हैं और इस जैसमंद बांध के क्षेत्र पर अतिक्रमण उन्हीं की पहल से हटाया गया था। आज हम जैसमंद बांध पर जब यहां पहुंचकर देख रहे हैं कि प्रशासन दावे तो बड़े बड़े करता है अतिक्रमण हटाने के, परंतु धरातलीय स्थिति बिल्कुल ही अलग है। अगर इसी प्रकार अतिक्रमण ये बना रहा और आने वाले समय में जब वर्षा होती है तो बांध में पानी की आवक होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि आज से भी पहले जब यहां पर अतिक्रमण रहा था तो बांध में पानी की आवक नहीं होती थी। कहते हैं कि इस क्षेत्र में जब पानी की आवक होगी तो बांध भरेगा तो अलवर आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की जो समस्या है उस पर आसानी के साथ हम निदान पा सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि बांध का पूरा क्षेत्र वापस से अतिक्रमण की चपेट में आ चुका है और अलवर जिला प्रशासन झूठी वाही वाही लूट रहा है कि हमने वहां से अतिक्रमण हटाकर बहुत बड़ा तीर मार दिया है। अब आप मेरे साथ पूरी की पूरी घटना को देख चुके हैं कि बांध की क्या स्थिति है। अब आप खुद अलवरवासी इस चीज का आकलन करेंगे कि प्रशासन ने जो अतिक्रमण हटाया था आज वहां की क्या स्थिति है। कैमरामैन साजिद के साथ मैं संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा न्यूज अलवर से। और सवाल यह उठता है कि क्या जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा, और करेगा तो वह कार्रवाई कितनी स्थायी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्रवाई केवल आम जनता को खुश करने और अखबारों में छाए रहने के लिए की जाएगी, जो कुछ दिनों के बाद फिर से अतिक्रमण के रूप में विकसित हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है कि हर बार कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने की नहीं बल्कि अखबार में खबर छपवाने के लिए की जाती है, ताकि जिला प्रशासन अपनी वाहवाही जनता के बीच खुले तौर पर करवा सके। अब देखना यह होगा कि इस बार कैसी कार्रवाई होती है, दिखावे की या फिर अतिक्रमण हटाने की।
इस खबर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा के साथ।